नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य से संबंधित एमसीक्यू का पार्ट टू। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या फिर निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है मास्की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है दूसरा और तेरहवां। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है भाबरू स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिला लेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है शिलालेख 13वां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है अशोक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है अशोक। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है कालसी में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि राजनीतिक नीतियां। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णित हुआ है वह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है इंडिका। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है इंडिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है मौर्य वंश ने। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जो कि है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है जो कि है अशोक। दोस्तों आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है जो कि है अशोक। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।